ठीक है, चलिए सर, बुक्स ऑफ सेलर, बुक्स ऑफ सेलर पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर बात की बाद में करेंगे। मान लेते हैं ये कंपनी है, आप समझिएगा, एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड और एक कंपनी है पी क्यू आर लिमिटेड। यहां पे दो सर्कमस्टांसेस, एक ये कंपनी है, अब ये मान लेते हैं सेलर कंपनी है और ये मान लेते हैं बायर कंपनी है। इसकी तो अकाउंटिंग हमारी डन हो चुकी है। बायर कंपनी क्या क्या काम करेगा सर? अगर बायर कंपनी की हम बात करें तो बायर कंपनी में किसी की बैक आई है, भाई ऐसी बेकार बातें क्यों करते हो? किसी की बैक आई है, कोई फेल तो नहीं हुआ है, उनसे क्या सीखना चाहते हो जो फेल हुए हैं? या फिर बैक आ गई है, उनसे क्या देखोगे कि कैसा पेपर था, नहीं था? तो आप ये सोचो ना, बहुत बच्चे पास होते हैं इसमें। देखो, बुक्स ऑफ बायर की बात करें, बुक्स ऑफ बायर के अंदर क्या है कि हमें क्लियर है कि भैया बुक्स ऑफ बायर के अंदर के हमें क्या क्या बनाना है। पहले पीसी निकालेंगे, फिर जर्नल एंट्री करेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तीन ही पॉइंट था। अब बुक्स ऑफ सेलर की बात करें तो बुक्स ऑफ सेलर में दो काम होता है, एक तो आपको करना होगा जर्नल और एक करना होता है आपको लेजर। इसके अंदर बैलेंस शीट तो बनेगा नहीं क्योंकि कंपनी बंद हो रही है, तो बैलेंस शीट तो इसका खत्म होगा, बैलेंस शीट बनेगा थोड़ा ना। हाँ, ये हो सकता है कि आपको इसका जर्नल पूछ ले, इसकी बैलेंस शीट पूछ ले। यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुक्स ऑफ बायर पूछे, ऐसे पूछ सकता है कि इसका लेजर बनाओ और इसका जर्नल करो, या कह सकता है जैसे अभी हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें सारी चीजें मेंशन होगा। तो हम जर्नल ना हम बाद में करेंगे, पहले हम लेजर को समझ लेते हैं एक बार। लेजर में क्या होगा, नॉर्मली अगर आप, मैं किसी भी बुक्स ऑफ बायर की बात करूं तो आप ध्यान दीजिए कि आप इस कंपनी का क्या खरीदेंगे सर? इस कंपनी के आप सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटी खरीद लेंगे, सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटी को अपने पास ले लेंगे। और एक बात ध्यान रखना, हमने जो बुक्स ऑफ बायर किया है ना, उसमें एक ही मेथड किया, अभी मर्जर वाला रहता है, वो पहले हम बाद में करेंगे, पहले ये देख लें। तो अब यहां पे ये बैलेंस शीट अगर हम मान ले तो बैलेंस शीट में इधर क्या होगा, सारा का सारा आप इमेजिन कर सकते हो क्या क्या हो सकता है, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, प्रीपेड, सारी चीजें हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इमेजिन करिए, मैं साफ सिंपल रख रहा हूँ। यहाँ पे हो सकता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे हो सकता है रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ हो सकता है हमारा जैसे कि क्रेडिटर वगैरह, डिबेंचर वगैरह। ये तो जब कभी भी हम रियलाइजेशन करते थे, जब 12th क्लास में किया करते थे रियलाइजेशन, तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, सारे एसेट्स जितने भी थे इन सभी को सेंड कर देते थे रियलाइजेशन अकाउंट में। और कैसे सेंड करते थे सर? एक बहुत छोटा सा अकाउंट बना लिया करते थे रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम यहां लिखते थे सन्ड्री एसेट्स, और सन्ड्री एसेट्स के बाद यहां पे सारे के सारे एसेट्स लिख देते थे, लैंड एंड बिल्डिंग होगा, चाहे प्लांट एंड मशीनरी होगा, चाहे आपका गुडविल होगा, कोई भी वट एवर, सारे एसेट्स को यहां लिख दिया करते थे। तो इस प्रोसेस को यहां से सारे एसेट्स को उठाकर, यहां से सारे एसेट्स को उठाकर कहां लेके जाना, एक अकाउंट के अंदर लेके जाना, ये रियलाइजेशन अकाउंट में। इसको बोला जाता है प्रोसेस ट्रांसफर करना एसेट्स को, एसेट्स को क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। लेकिन जब सर इस बैलेंस शीट के सारे एसेट्स ले जाने का मतलब है कि इसके सारे एसेट्स ये ले रहा है, लेकिन कई बार ये पता ही क्या करता है, बोलता है हम तेरा ये वाला एसेट्स लेंगे नहीं, जा बेकार एसेट्स है, हम क्यों लेंगे तेरा ये एसेट्स। तो ऐसे सिचुएशन में इसके एसेट्स दो चीजें हो सकती है, इनके एसेट्स के साथ दो काम हो सकता है सर। क्या हो सकता है इसके एसेट्स के साथ? या तो बायर कंपनी इसका एसेट्स ले रहा होगा, नहीं, या तो नहीं ले रहा होगा। अब बायर कंपनी ले रहा हो चाहे नहीं ले रहा हो, सारे एसेट्स यहां ट्रांसफर करने हैं, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना? तो या तो बायर कंपनी बोलेगा मैं तेरा ये एसेट्स नहीं लूंगा, कोई बात नहीं मत ले भाई, मैं तो यहां लिख लूंगा, ठीक है? यानी यहां पे हम सारा का सारा एसेट ट्रांसफर करेंगे। दूसरा एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है कि बायर कंपनी जो एसेट्स नहीं लेता, तो जो एसेट्स नहीं ले रहा है उसको हम बेच के फिर हम उससे पैसा, नेट प्रॉफिट लॉस दिखा देते हैं। पहले हम सिंपल वे में चलते हैं, ठीक है ना? यानी जो भी मेरे बैलेंस शीट का एसेट्स होगा सारा यहां ट्रांसफर कर देंगे। सर कैश को भी ट्रांसफर करेंगे? जी हाँ, कैश को भी ट्रांसफर किया जाएगा। पहले कैश को ट्रांसफर नहीं किया जाता था, कब? 12th क्लास के अंदर। लेकिन यहां पे हम उसके कैश को भी ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब सर
अगर बायर कंपनी बोलता है मैं तेरा कैश भी लूंगा तो कैश यहां आ जाएगा, बायर कंपनी मना कर देता है कि मैं तेरा कैश नहीं लूंगा तो यहां कैश नहीं आएगा। एक मेन बात याद रखने वाला है, यानी सर सारे एसेट्स को ट्रांसफर करने में याद क्या रखना है हमें, नोट नोट। व्हेन, जब सारे एसेट्स, व्हेन ऑल एसेट ट्रांसफर, देन कैश मे बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट सब्जेक्ट टू। सर सब्जेक्ट टू मतलब इफ कैश टेकन बाय परचेजर कंपनी, अगर परचेजर कंपनी बोलता है भैया मैं तेरे कैश भी लूंगा तब तो कैश चला जाएगा रियलाइजेशन में, और इफ कैश नॉट टेकन बाय परचेजर कंपनी, अगर परचेजर कंपनी कैश को लेने से मना कर दे देन नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। मैंने ये लिख दिया, ये लंबी चौड़ी बात है ऐसे लिख दिया ताकि कभी आपको याद रहे, इस केस में हम ट्रांसफर कर देंगे और इस केस में नहीं करेंगे। तो समझ में आया, सारे के सारे एसेट्स आप कहाँ ले जाओगे, रियलाइजेशन में ले जाएंगे। पहले कैश नहीं ले जाते थे, अब कैश भी ले जाएंगे, लेकिन वो कैश पे देखना पड़ेगा सर। कैश में क्या देखना पड़ेगा, अगर कोई एसेट्स, अगर कोई कैश परचेजर कंपनी बोलता है मैं लेके जा रहा हूँ बैंक में लेके जा रहा हूँ तब तो जाएगा, अगर मना कर देता है तो नहीं जाएगा। चलिए सर, एसेट्स के अंदर ना कुछ ऐसी भी चीजें होती है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस। अभी रिकंस्ट्रक्शन हाल फिलहाल में ही किया है हमने, तो एसेट साइड में क्या देखने को मिलता था, प्रॉफिट एंड लॉस, या एसेट साइड में आपको ये भी दिख सकता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो ये दोनों चीजें आपका इसके अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, यानी सारा एसेट ट्रांसफर करेंगे तो हमें सावधानी करना पड़ेगा कि कोई ऐसा एसेट जिसे मैंने वैल्यू एसेट, वैल्यू लेस एसेट्स कहा था या फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, उस एसेट्स को यहां पे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेम सारा का सारा लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी जो है वो सारा का सारा लाइबिलिटी यहां ट्रांसफर हो जाएगा बाई साइड। सारा का सारा लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर हो जाएगा हमारा, बाई साइड में। जैसे मेरे पास ये जो भी लाइबिलिटी है, मान लो ये लाइबिलिटी कहां चले जाएगा हमारा, बाय साइड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन लाइबिलिटी में ये हिस्सा कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये वाला हिस्सा नहीं ट्रांसफर होगा। तो पहला पॉइंट, सारा एसेट ट्रांसफर करना है और कैश के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है और वैल्यू लेस एसेट्स को करना ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी शेयर को ट्रांसफर नहीं करेंगे। पहले भी आप रियलाइजेशन में याद करो तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस पार्टनर्स कैपिटल में चला जाया करता था। समझ में आई बात आपको। इसके बाद सर, अब सारा कैपिटल, अब हम ये सारा एसेट्स को पहले हम क्या करते थे, बेच दिया करते थे, सोल्ड कर दिया करते थे। अब इन एसेट्स को मैं भी दोबारा फिर से बताऊंगा, इन सारे एसेट्स को नहीं बेचा जाएगा क्योंकि इसके बदले हमें एक वैल्यू मिल रहा है। अगर मैंने इस एसेट्स को बेच दिया तो इसका मतलब मार्केट में जाके बेच दिया तो भैया उसको कहां मिला जिस जो खरीद रही है कंपनी। इन सभी एसेट्स और लाइबिलिटी के बाद जो पीसी आता था ना, वो पीसी यहां पे आ जाएगा। पहले मुश्किल था रियलाइजेशन, सारे एसेट्स को बेचो फिर लाइबिलिटी को पेमेंट करो, अब यहां नहीं है। उस सब के बदले क्या आ जाएगा, नेट, क्योंकि पीसी क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटी को नेट करके होता है, वो भी मार्केट वैल्यू। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पीसी। जो एसेट्स कंपनी ने नहीं लिया और मैंने यहां लिखा, उसको बाय बैंक से बेच देंगे, और जो लाइबिलिटी कंपनी ने उसको हम यहां दिखा देंगे। मैं अभी फेयर करके दिखाऊंगा, अभी रफली आइडिया दे रहा हूं। तो सर क्या रफली आइडिया मिला कि सारे के सारे एसेट ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन में और एसेट्स बिकेंगे नहीं, उस एसेट्स के बदले क्या लिखा जाएगा, परचेज कंसिडरेशन, यानी जिस कंपनी का नाम है वो लिखा जाएगा। सारे लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी पेमेंट नहीं होगा, इसके बदले हो जाएगा। लेकिन एसेट्स लाइबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद हमें एक बात ध्यान रखनी है कि एसेट्स में कैश बैलेंस ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेम लाइबिलिटी के अंदर आपके सारे लाइबिलिटी चले जाएंगे लेकिन जो एसेट्स बिक भी सकता है और नहीं भी बिक सकता, डिपेंड करेगा। अभी मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक बनाना पड़ेगा हमें इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का सारा चला जाएगा ये इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस।
और एक बनेगा प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल अकाउंट, और लास्ट एक बन जाएगा परचेजर कंपनी का। तो हम बेसिकली यहां पे चार अकाउंट, मैं मेन मैं बोलूं तो आपको दो ही अकाउंट मेन रहेगा, एक ये और एक कैपिटल अकाउंट, बाकी के अकाउंट में तो एक दो एंट्री आएंगी। तो अगर हम इसको चले लेके लेके चले, अगर हम इसे समझे ठीक से, चलिए अगले पेज पे आते हैं। मैं अगर ठीक से समझूं इस फॉर्मेट को तो आप समझिएगा, अगर आपने फॉर्मेट समझ लिया तो सवाल हो गया समझिए, फॉर्मेट नहीं समझा तो कुछ नहीं हुआ समझिए आप। तो फोकस करके फॉर्मेट समझना है, इस फॉर्मेट के अंदर मैं सारी चीजें करूंगा। सर ये बैलेंस शीट ओल्ड वाली कौन सी है? बैलेंस शीट ओल्ड वाली मैं शो कर रहा हूं, बाकी एग्जाम में नई वाली भी आ सकती है, ओल्ड वाली बनानी नई वाली होगी, हमेशा बनानी हमेशा नई वाली होगी आपको। चलिए सर ठीक है, चलिए। और इसे ना थोड़ा सा माइंड में आप लेके चलिए कि आपने डिसोल्यूशन पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ वैसा है, थोड़ा जल्दी क्लिकिंग हो जाएगा। एक हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है सर। इसके बाद एक अकाउंट कौन सा बनेगा सर? एक अकाउंट बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये बहुत छोटा सा बनेगा। सर और कोई भी बन सकता है, एक बन जाएगा हमारा बुक्स ऑफ बायर। बताएंगे अभी क्या चीज है, पहले दो पे फोकस रखना है हमें, फिर उसके बाद देखेंगे। ये है रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट मैंने यहां कहा आपको क्या सर, यहां कहा मैंने आपको शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट भी बनेगा लेकिन अभी उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे हम, लास्ट में, ठीक है। और एक बन जाएगा हमारा, इसके ऊपर मैं नाम, क्योंकि मैं बुक्स वाले नाम ना जनरली नहीं लिखता जल्दी से, पहले आपको समझ में आ जाए हाँ ये तो वही अकाउंट है, नहीं तो ऐसा लिखा होता इन द बुक्स ऑफ दिस अकाउंट दिस और इन द बुक्स ऑफ इस, तो बच्चा समझ नहीं पाता। हमें सीधी सी बात है, ये करा और शेयर होल्डर का अकाउंट बनाया। यहां पे हमें क्या करना है सर, यहां पे हमें सबसे पहले काम ये करना है, यहां पे टू सन्ड्री एसेट्स लिख लेना है, सन्ड्री एसेट्स लिख लेना है। सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या आ सकता है सर? सन्ड्री एसेट्स में सारी चीजें आ सकती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, बिल्डिंग, कैश, कैश नहीं, स्टॉक। एंड मेरे हिसाब से जब मैंने यहां एसेट्स लिखा, इन्वेस्टमेंट, ये सारा एसेट्स यहां पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। और ये सब जितने भी आएंगे, ये सब आएंगे आपके बुक वैल्यू पे, ये सब जितने भी आएंगे ना वो सब आएंगे आपके ये वाले सारे के सारे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट में डिजिट है ना उसी डिजिट पे उठाकर लिख देना है, ये सारा आएगा बुक वैल्यू पे, यानी जो पुरानी वैल्यू थी। अब एक अमाउंट ऐसा है जिसके ऊपर सब्जेक्ट लग जाएगा, यानी कैश या फिर बैंक, ये तब आएगा इफ बायर, इफ बायर कंपनी टेकन, बायर कंपनी, अगर बायर कंपनी ने लिया तभी आ सकता है साहब। इसके बाद इसका टोटल करके यहां दिखा दो, पहले ये वाला पॉइंट समझ में आया। अब इस एसेट्स में वो भी एसेट्स है जो बायर कंपनी खरीद रहा है, और जो वो भी एसेट्स है जो बायर कंपनी नहीं खरीद रहा है, लेकिन कैश के केस में ऐसा नहीं है, अगर बायर कंपनी ले रहा है तभी लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ये वाले एसेट्स में आपको ये नहीं देखना कि बायर टेकन कर रहा है नहीं कर रहा,
दोनों दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले सिंपल वाले से करूं, बस कैश पे आपको ध्यान देना। सर सारे एसेट्स में हम क्या क्या छोड़ देंगे यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में जो होता है फिक्टीसियस एसेट्स, सेम ऐसे यहाँ पे हम सारा का सारा क्या लिख लेंगे सर? बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, बाय साइड में लिख लेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। सर बाय सन्ड्री लाइबिलिटी में क्या क्या आ सकता है सर? वेरी सिंपल, क्रेडिटर। अरे क्या क्या आ सकता है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, डिबेंचर एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आ सकता है। और ये सब भी किस वैल्यू पे होगा सर? ये सब भी किस वैल्यू पे होगा? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो डिजिट और जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाई गई है उसी वैल्यू पे लेंगे, उसी को कहा जाता है बुक वैल्यू। बड़ी सीधी सी बात है सर। ये सब लेने के बाद अब यहां पे बाय साइड में लिखेंगे जो कंपनी खरीद रहा है हमारी कंपनी को, यानी जैसे कि मान लेते हैं कि एक बी कंपनी ले लेते हैं बायर कंपनी है, बी लिमिटेड बायर कंपनी है, और एस लिमिटेड ले लेते हैं सेलर कंपनी है। तो हमारी कंपनी को कौन खरीद रहा है? बी लिमिटेड। तो यहां पे आ जाएगा बी कंपनी का, यानी बी लिमिटेड आ जाए, यानी परचेज कंसिडरेशन वाले अमाउंट से किसका नाम आ जाएगा? कंपनी का नाम आ जाएगा, ठीक है ना? उस कंपनी का नाम लिखते हैं पहले। यहां तक देखिए, किसी बच्चे को कोई डाउट? बड़ा आसान चैप्टर है सर ये, मुश्किल बना दिया गया है मार्केट में, बस समझ में आया। सारा एसेट्स लिखना है, फटाफट लिख लेंगे, सारी लाइबिलिटी फटाफट लिख लेंगे, और जो पीसी निकाला है वो भी लिख लेंगे। इसके बाद अब कुछ एसेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बायर कंपनी ने ना लिया, बोला ना भैया ना, मैं ये एसेट्स तो नहीं लूंगा। और कुछ ऐसे भी लाइबिलिटी हो सकते हैं जो कि बोले कि नहीं भैया नहीं, मैं तो नहीं लूंगा, यानी बायर कंपनी शायद मना कर सकता है, डिनाई कर सकता है सम एसेट्स नॉट टेकन, पॉसिबल है ना? और सम लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नॉट टेकन। तो यहां पे दो बातें होती हैं, दो बातें। दूसरी पहले हम सिंपल वाली समझ लेते हैं, दूसरा जब क्वेश्चन के बीच में आएगा तो वहां एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो जब कोई एसेट्स को टेकन नहीं करेगा तो जो एसेट्स उसने नहीं लिया तो वो पीसी में भी नहीं जुड़ा होगा, आप समझो, क्योंकि हम पीसी में उन्हीं एसेट्स को कंसिडर करते हैं जो एसेट्स हमने लिया है। आपने पीछे सिचुएशन वाले क्वेश्चन में देखा था, ये एसेट्स नहीं लेंगे तो छोड़ देते थे हम पीसी में निकालने से। तो जो एसेट्स उसने नहीं लिया है उस एसेट्स को यहां पे हम बेच देंगे बैंक से, बैंक से ब्रैकेट में ये सोल्ड हो रहा है एसेट्स, कौन सा? विच नॉट टेकन बाय, किसके द्वारा? बायर के द्वारा। जो बायर के द्वारा नहीं टेकन किया गया वो बैंक से बिक जाएगा। सेम लाइबिलिटी भी कुछ बायर बोल सकता है, भाई ये बेकार लाइबिलिटी है मैं नहीं लूंगा, तो उस लाइबिलिटी को भी क्या करेंगे? टू बैंक से पेमेंट कर देंगे सन्ड्री लाइबिलिटी। सन्ड्री लाइबिलिटी कौन सा? विच नॉट पे या नॉट टेकन कह दो, विच नॉट टेकन बाय, समझे बात? समझ में आ रहा है सारा? यानी सारे एसेट्स रखे, सारे लाइबिलिटी रखे। अब जो बायर बोल रहा भैया ये एसेट्स तो मैं लूंगा ही नहीं, कोई बात नहीं भाई, तू नहीं ले रहा तो मैं बेच रहा हूं इसे, और वो लाइबिलिटी तो मैं लूंगा ही नहीं, तो भाई कोई बात नहीं, मैं लाइबिलिटी का मैं पेमेंट कर देता हूं, यही तो हो सकता है। अब बात आती है रियलाइजेशन एक्सपेंस की। अगर हम रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात करें, रियलाइजेशन एक्सपेंस की अगर हम बात करें, तो मैंने कहा था कि इसको हम बाद में समझेंगे, तो वो टाइम आ गया है समझने का। रियलाइजेशन एक्सपेंस में दो पॉइंट्स हो सकते हैं सर। सर दो पॉइंट कौन से हो सकते हैं? या तो आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस बायर पेड करेगा, बायर पेड करने के लिए तैयार होगा, मैं पेड कर दूंगा। अगर बायर पेड करता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन पेड करेगा सर? सेलर पेड करेगा। सर दो ही बातें हो सकती है,
रियलाइजेशन का खर्चे का पेमेंट होता है ना जो हम बंद कर रहे हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंस भी बोलेंगे हम, एडवांस नाम हो गया लिक्विडेशन एक्सपेंस, और सिंपल नाम है कंपनी को बंद करने का खर्चा। या तो बायर कंपनी जिम्मेदारी ले लेके भैया मैं पे करूंगा तुझे चिंता करने की बात नहीं है, और या तो फिर सेलर कंपनी बोल दे मैं इसको पे करूंगा तुझे कोई देखने की जरूरत नहीं है। अब सेलर कंपनी अगर पे करता है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर ये पेड करता है तो सिंपल ट्रांसफर कर दो उसको कहां पे, रियलाइजेशन में, क्योंकि सेलर कंपनी उसको पे कर रहा है, ट्रांसफर कहां कर दीजिए, रियलाइजेशन में। लेकिन बायर कंपनी पेड कर रहा है तो यहां दो कहानी घूम के आ जाती है सर। AS 14 जो इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, कई बार सवाल के बीच में AS 14 डाल देगा तो आप ये मत सोचना क्या आ गया, वो कुछ नहीं है, बोल रहा है AS 14 के अकॉर्डिंग करना है। AS 14 कहता है कि इन केस ऑफ अगर बायर पेमेंट करने के लिए तैयार होता है कोई भी रियलाइजेशन का खर्चा, तो वहां दो केस होगा, या तो वो डायरेक्टली पेड करेगा, डायरेक्टली मतलब भैया लिक्विडेटर को बुलाएगा बोल इधर आ तू और पैसे ले जा भाई, या तो डायरेक्टली पेड करेगा, या फिर क्या करेगा सेलर को बोलेगा तूने रखा है तू पेड कर दे मैं तुझे पैसे दे दूंगा, यानी रीएम्बर्स कर देगा, या तो क्या करेगा इनडायरेक्टली पेड कर देते हैं। जिसको बोला जाता है टेक्निकल वर्ड में रीएम्बर्स करना, अगर डायरेक्टली पेड करेगा तो सेलर के बुक में कोई काम नहीं है, नॉट एंट्री। सेलर को क्या मतलब भैया, बायर समझेगा क्या कर रहा है नहीं कर रहा, वो अपने बायर एंट्री में डन करेगा। अगर रीएम्बर्समेंट हो रहा है तो यहां पे दो कहानी घूम के आएगी सर, कितनी कहानी आएगी सर, या तो रीएम्बर्समेंट में सारा पैसा करूंगा, या फिर मैं बोलूंगा भाई तूने 20,000 खर्च करे मैं तो 15 ही दूंगा, या तो रीएम्बर्समेंट फुल अमाउंट होगा या फिर होगा पार्ट में। सर अगर फुल अमाउंट हुआ रीएम्बर्समेंट और अगर पार्ट में हुआ तो, सर फुल अमाउंट रीएम्बर्समेंट अगर हमें बायर कंपनी कर रहा है तो भी हम रियलाइजेशन अकाउंट पे, क्योंकि पेमेंट किसने किया है इसका, पहले पेमेंट करा है बायर ने, नहीं पहले पेमेंट करा है सेलर ने और उसके बाद करा है बायर ने। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, पहले पेमेंट करा है किसने फिर बायर ने। तो इस सिचुएशन में आपकी इच्छा है कि आप इसे रियलाइजेशन में दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। अगर आप इसे रियलाइजेशन में दिखाना चाहते हैं तो एक बार यहां पे बैंक के नाम से पेमेंट करेंगे और फिर इधर दोबारा रिसीव भी कर लेंगे, यानी दोनों साइड बैंक बैंक आ जाएगा। इससे बेहतर होगा कि मैं कहूंगा कि भैया आप इसे दिखाइए मत, नॉट शो इन सेलर बुक, और थोड़े जब इसके एडजस्टमेंट एंट्री ये सारी चीजें देखेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगा। अब इसके अंदर भैया जब पार्टली पेमेंट करेगा तो मान लेते हैं जितना पैसा हमें नहीं मिलेगा वो तो सैलरी पे करेगा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी होगा ट्रांसफर कर देंगे कहां पे सर, रियलाइजेशन अकाउंट में। सर इसका मतलब एक एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए थोड़ा सा, और ये बहुत बेसिक सी बात है, मैंने पता नहीं इतना सारा क्यों लिख दिया। मान लेते हैं कि 25,000 का एक्सपेंस था और आपको रीएम्बर्स सिर्फ जो हुआ था वो हुआ था 20,000, तो जो 5,000 आपने एक्स्ट्रा पेड किया दैट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बैंक के नाम से, ठीक है। अब खर्चे की बात करें तो यहां पे आ जाएगा टू बैंक, और टू बैंक में आ जाएगा आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस, या फिर आप इसे लिक्विडेशन एक्सपेंस, वाइंडिंग अप एक्सपेंस कुछ भी कह सकते हो, रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से आ जाएगा। अब आपको समझना है, आपको तय करना है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस कई बार आपको दिखेगा क्वेश्चन में और कई बार नहीं दिखेगा, तो कब दिख जाएगा और कब नहीं दिखेगा उसकी बातें मैंने पीछे बता दी है। समझ में आई बात आपको, क्या हर बार रियलाइजेशन एक्सपेंस यहां पे आएगा? नहीं सर, डिपेंड करेगा पेमेंट कौन कर रहा है इसका, जो पेमेंट कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस लेना है या फिर नहीं लेना है। चलिए सर, अब हम यहां पे जब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो पहले जब क्लोज होता था तो यहां से निकलता था प्रॉफिट या फिर निकलता था लॉस, अगर प्रॉफिट निकलता था या फिर लॉस निकलता था, इन सभी को ट्रांसफर कर दिया जाता था। कहां कर दिया जाता था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन खैर पुरानी बातें छोड़ो, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस को बांटा नहीं जाएगा क्योंकि यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर यहां पे निकलता है इस साइड में तो क्या निकलेगा? टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? सर ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में, क्योंकि इस पे अधिकार
इक्विटी शेयर होल्डर का है। अगर इधर निकला तो क्या निकलेगा, नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में। ठीक है, ये अकाउंट समझ में आया आपको, पूरा बेसिक सा सिंपल सा है। अब आ जाते हैं हम इस अकाउंट पे। सर ये है हमारा शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर मतलब मालिक, मालिक कौन होता है, लाइबिलिटी होता है बिजनेस के ऊपर। तो लाइबिलिटी अकाउंट में बताएं तो जितने भी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी थे, जितने भी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी थे सभी को यहां ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर। जर्नल एंट्री सोचना, आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो, अगर मैं बोलूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, वहां से खत्म होगा, टू क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को कर देंगे। अगर मुझे पैसा देना हुआ इक्विटी शेयर होल्डर को, तो पहले हम अपने बैलेंस शीट से लाइबिलिटी खत्म करेंगे, बोलेंगे आ जा भाई इक्विटी शेयर होल्ड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। और एक और एंट्री कर देते हैं हम इक्विटी शेयर होल्डर, और बाद में कर देते हैं बैंक में। जनरल एक बात बता रहा हूं, ऐसे होगा, हमें इसकी एंट्री समझनी है पहले। तो हम इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर में जाके क्या लिखेंगे, समझे? इसका मतलब सर इक्विटी शेयर होल्डर जो है, इक्विटी शेयर यहां पे आ जाएगा सर, यहां पे जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो सारा यहां पे आ जाएगा, और जो चीजें एसेट्स में है वो चीजें कहां आ जाएगी, यहां पे जो चीजें लाइबिलिटी में वो जा रहा है कहां पे, क्रेडिट में, और जो चीजें एसेट्स में है वो चला जाएगा डेबिट में। अब बताओ अगर रियलाइजेशन से लॉस आया तो बैलेंस शीट में तो वैसे एसेट्स में दिखता है लॉस, तो अगर रियलाइजेशन से लॉस आया तो यहां आ जाएगा। देखो बाय में है तो टू में आ जाएगा, किससे आ जाएगा, रियलाइजेशन ब्रैकेट में। अगर रियलाइजेशन से प्रॉफिट आया तो बाय साइड में आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, अगर हमारा पुराना कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह है, कोई हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह है जो कि वैल्यू लेस एसेट्स के कैटेगरी में आता है, वो यहां आ जाएगा। वैल्यू लेस एसेट्स क्या होता है, कुछ बच्चे नए होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे एसेट्स जो कि बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है लेकिन वो किसी काम का नहीं होता, जैसे कि हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटर कमीशन, या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, वो एसेट्स में से धीरे धीरे राइट ऑफ करके हम दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या हम, वैल्यू लेस एसेट्स। उसको सिर्फ हमें बैलेंस करने के लिए रखा जाता है, ना कि उसे बेचा जा सकता है हमें। ठीक है, अब सर यहां पे दोनों साइड मिसमैच होगा, तो मिसमैच को मैच करने के लिए आप क्या, किससे मैच कर दोगे, पीसी से। तो आपने टू में लिख देना है सर परचेज कंसिडरेशन, सर परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया तैयार। अब इस पीसी को हमें डिस्चार्ज करना है ना सर, इसको आप इक्विटी दे सकते हो, प्रेफरेंस दे सकते हो, कैश दे सकते हो, जो भी देना था जैसे हमने सीखा था। तो पहले हम इन दोनों बायर की एक दो 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 करके सीखते हैं, ज्यादा ज्यादा टेंशन हो जाएगा, तो हम सिर्फ पहले दो सीख रहे हैं, इसको भी बाद में देखेंगे। क्लियर, पहले हम क्या देख लेंगे, एक ये अकाउंट और ये अकाउंट। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर सर इसमें नहीं आता, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है, प्रेफरेंस शेयर का लिए अलग से अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है ना, तो हम सिर्फ यहाँ क्या लेके चलेंगे, इक्विटी शेयर। हालांकि मैंने वहां पर लिख दिया था कि यहाँ पे जितने भी, कहाँ गया भैया, कि शेयर कैपिटल, मैंने इक्विटी लिखा है तो सिर्फ इक्विटी शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो भाई साहब मैं बना ही देता हूं, प्रेफरेंस शेयर का तो बना ही देता हूं, तो ये बन जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और बाय साइड में क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या आ जाएगा बाय साइड में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और सर टू साइड में क्या आ जाएगा, टू जो भी पेमेंट होगा उसको मैं यहां पे थोड़ा सस्पेंस रख रहा हूं पेड के नाम से, और स्टार बना देता हूं, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा स्टार बना देता हूं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा आपको समझ में नहीं आएगा वो चीजें क्या बोलना चाह रहा हूं। सभी बताओ रियलाइजेशन समझ में आया, फिर से दोबारा बोलता हूं, सारे के सारे एसेट्स लिख दोगे, कैश लिखना ही नहीं, नहीं लिखना वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, सारे लाइबिलिटी लिख दोगे, इसके बाद सारे एसेट्स को बेचना नहीं है, उसी एसेट्स को इस साइड बैंक में दिखाना है जिस एसेट्स को बायर कंपनी ने नहीं लिखा, सारी लाइबिलिटी को पेमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ उसी लाइबिलिटी का पेमेंट करना है जिस पे बायर कंपनी ने नहीं किया। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस में भी यहां पे आ भी सकता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस यहां पे नहीं भी आ सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। इसके बाद सर एक एंट्री और, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब हम पेमेंट करते हैं तो हो सकता है कि हमें पेमेंट कम मिला हो, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पेमेंट पे नुकसान या फायदा हो सकता है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे हमें क्या होता है सर, नुकसान, तो हम बाय में लिख देंगे, फायदा होता है तो टू में लिख देंगे, जब एंट्री आएगा तो एंट्री में हम देख लेंगे, अभी हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करने वाले। ठीक है, तो चलिए एक सवाल देखते हैं, एक सवाल देखते हैं इसके ऊपर बेसिक सा। एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं,
ये ज्यादा बढ़िया है। चलिए इसको यहाँ रख देते हैं सर। इसके बाद ना कंटिन्यू यहाँ पे है, जगह नहीं है नीचे दिखाने के लिए। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं फिर ट्रांसफर कर देंगे एक एक करके एंट्री, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सवाल देखते हैं। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, एक हमें 31 मार्च का बैलेंस शीट गिवन है, इसके अंदर हमें शेयर भी है, इसके अंदर प्रेफरेंस भी है, इसके अंदर इक्विटी भी है, इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस भी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, करंट एसेट्स, यानी टोटल मिला के नई वाली बैलेंस शीट बना के दिखा रखा है। कुछ एसेट्स है और कुछ यहाँ पे और भी। अब यहाँ पे देखिए कुछ एसेट्स ऐसे हैं दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दैट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। तो ये एसेट्स कौन से शेयर है? ये एसेट्स हमारे वो वाले हैं जो कि वैल्यूलेस है। क्या इसमें से सारे एसेट्स में से क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाने के लिए तैयार है? सर नहीं, ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। अब एडजस्टमेंट में कहता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर 3 ईयर, 3 साल से प्रेफरेंस शेयर का एरियर है, देखते हैं पेमेंट करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है आगे देखिए तो क्या कहता है, अ न्यू कंपनी फॉर्म कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, पहले ये वीक लिमिटेड था, एक नया कंपनी बना दिया स्ट्रॉन्ग लिमिटेड जिसका ऑथराइज कैपिटल रहेगा हमारा ये, और इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक रहेगा। तो इस एंट्री का कोई लेना देना नहीं है, बस ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई नई कंपनी बन चुकी है और जिसका ऑथराइज कैपिटल 32,50,000 रुपए का 10 रुपए का एक होगा। तो ऑथराइज कैपिटल का कभी भी हमारा किसी एंट्री के ऊपर इंपैक्ट होता ही नहीं है। ठीक है आगे कहते हैं हम भाई एक 5 रुपए वाला पेडअप वाला इक्विटी दे देंगे न्यू कंपनी के अंदर अलॉटेड इक्विटी शेयर ऑफ द ओल्ड कंपनी। कहते हैं नई कंपनी जो बनेगी ना हमारी, जो हमारी नई कंपनी बनेगी इस कंपनी के अंदर आपको एक इक्विटी शेयर मिल जाएगा जितने आपकी पुरानी कंपनी में। तो भाई साहब पुरानी कंपनी में 1.5 लाख था आपका, पुरानी कंपनी की बात करें तो कितने इक्विटी थे आपके, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल थे पहले 1 लाख, और मैंने बोला 5 वाला आपको मिल जाएगा एक, तो आप बताइए आपको कितने मिल जाएंगे, 15, 7.5 लाख है ना, 7.5 लाख रुपए वैल्यू का सामान मिल जाएगा। आगे कहता है 2 इक्विटी शेयर 5 वाले दे देंगे हर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, हर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर जितने भी ईच प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 2 दे देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने हैं भाई साहब, 50,000। तो 50,000 वालों को हम कितने दे देंगे, 2 दे देंगे, और एक शेयर कितने का होगा, 5 रुपए, दैट इज आपका कितने हो गए, 5 लाख रुपए हो गया। कहता है एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी हमने लाइबिलिटी नहीं मांगना था, बोल रहे हो कैंसिल कर दो तो इसकी कोई एंट्री है ही नहीं। कहता है डिबेंचर होल्डर रिसीव 30,000 इक्विटी शेयर न्यू कंपनी फुल्ली पेड, यानी डिबेंचर होल्डर को ये 30,000 हम शेयर्स देंगे। कहने का मतलब भाई साहब सामने वाली कंपनी को ये 2 ही चीज मिलने वाली है, दैट इज ये क्या निकल के आ गया हमारा परचेज कंसिडरेशन, और ये निकल के आ गया 12,50,000। तो पहला कामयाबी, हमने पहला काम कर लिया जो कि हर बार करते आए, दैट इज द परचेज कंसिडरेशन।
डिबेंचर होल्डर को कंपनी देगा न्यू कंपनी में, इसका मतलब डिबेंचर होल्डर भी टेकन ओवर किया जा रहा है। क्रेडिटर टू बी टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी, इसका मतलब सर क्रेडिटर भी टेकन ओवर किया जा रहा है। द रिमेनिंग अनइश्यूड शेयर पेड अप बाय डायरेक्टर, जो बाकी का बच्चा था वो डायरेक्टर बोलता है हम पैसे दे देंगे, तो देख लेंगे, बाकी का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बायर कंपनी देखेगा। आगे कहता है द न्यू कंपनी टेक ओवर द ओल्ड कंपनी ऑल एसेट, सारी कंपनी ले लेगा एसेट एक्सेप्ट पेटेंट को, बोल रहा मैं नहीं लूंगा भैया इस पेटेंट, पेटेंट को ले जाओ आप, मेरे बस की नहीं है इसको। सब्जेक्ट टू, और कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं, राइटिंग डाउन द प्लांट एंड मशीनरी को बोल रहा है कि भैया इतने से कम कर दो इतने में लूंगा, और स्टॉक को बोल रहा है इतने से कम कर दो इतने का लूंगा, लेकिन लेने को तो तैयार है ना, लेने को तो तैयार है। तो मुद्दे की बात है भाई साहब, वो लेने को तैयार है, तो जो चीजें लेने को तैयार है उसको हमें बेचना ही नहीं है, उसको तो पीसी के अंदर कंसिडर हो जाएगा। लेने को तैयार क्या नहीं है सर, सिर्फ पेटेंट, तो पेटेंट को हम बेचेंगे, जैसे भी बेचना होगा देखेंगे। आगे कहता है पेटेंट वर रिलाइज 10,000, इसलिए उसने बोला पेटेंट को हमने बेच दिया है। कितने का बेच दिया साहब, 10,000 रुपए का बेच दिया है। कहता है कि शो द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वीक लिमिटेड, वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग नया कंपनी बना है, वीक सेलर है, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, और एक्सपेंस हमारा कम्स कितने का आया। कहता है कि एक्सपेंस ऑफ वीक लिमिटेड कम टू 10,000 रुपीज। अब यहां सवाल में कह नहीं रहा कि किसने पेमेंट किया है, अब आपको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि किसने पेमेंट किया, हो सकता है मे बी बायर ने किया, हो सकता है सेलर, अगर सेलर का मान रहे हो पेमेंट किया है तो इसको दिखाएंगे, तो हम सेलर अजम्पशन लेके करने वाले हैं इसको, ठीक है, कोई डाउट यहां तक। तो आप क्या करोगे, सारे एसेट्स यहां से निकालोगे फटाफट फटाफट रियलाइजेशन में, सारे लाइबिलिटी फटाफट रियलाइजेशन में, एक बन जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर में ये सारे इक्विटी शेयर रिजर्व रिजर्व चला जाएगा हमारा, फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह चला जाएगा और पेमेंट कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको बात, तो एक फटाफट से आप भी तैयारी करो, मैं भी तैयारी करता हूँ, एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं हम, और एक बना लेते हैं क्या हम इक्विटी शेयर होल्डर, और एक प्रेफरेंस शेयर का भी बना ही लेते हैं, ठीक है, चलिए एक प्रेफरेंस शेयर का भी बना लेते हैं। तो एक अकाउंट, सिर्फ हम बुक्स ऑफ बायर की बात कर रहे हैं, बुक्स ऑफ सेलर की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब ये बनने जा रहा है हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब हम कंपनी को बंद करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं तो क्या करोगे सर, बेसिक सी बात है, उसके सारे एसेट्स उठा के फेंक दो बाहर, लाइबिलिटी को निकाल दो, कंपनी वैसे बंद हो जाएगी, मतलब बैलेंस शीट में से एसेट्स निकाल लो, लाइबिलिटी निकाल लो। एक बनाएंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट, और एक इक्विटी का भी बना लेते हैं लगे, हाँ पहले पर्टिकुलर वगैरह लिख ही ले, बना लिया आप सभी ने। सर स्क्रीन नहीं समझ आ रहा, सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ दूंगा, मैं बड़ा कर देता हूं अभी सवाल को, क्योंकि वहां तो कुछ कर नहीं रहे, बस पीसी निकाला है, तो क्वेश्चंस बड़े बड़े कर रहे हैं, ठीक है, कर देते हैं सर। ये जीआरएस जीआर मोंगा से ही क्वेश्चन लिया गया है सर, ये क्लीन शो नहीं है, थोड़ा जूम करो, ठीक है, ओके मैं क्वेश्चन कर देता हूं, इसको अलग कर देते हैं, दैट इज अ पीसी सर, सब कुछ एकदम साफ साफ कर देते हैं इसमें, अगली क्लास से अब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने लगेंगे हम वैसे।
ये आसमानी आसमानी पता नहीं क्यों हो गया ये। नहीं आप दोबारा के चक्कर में तो 9 बज जाएंगे। ठीक है अब दिख रहा है, अब क्लियर है, बताइए एक बार बुक दिखाना। मेरा तो दिमाग ही गर्म हो जा रहा है। भाई साहब ये बहुत आसान चैप्टर है, आप देखो सोचोगे नहीं जल्दी खत्म हो जाए जल्दी खत्म हो जाए, तो दिमाग क्या सब कुछ गर्म हो जाएगा। आप बस ये कहो कि आसान, देखो एडजस्टमेंट कितने, 7-8 एडजस्टमेंट आ रहे हैं, ठीक है एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं है, सिंपल है। अभी देखो आप करके देखोगे फिर से, चलो एक बार दिमाग गर्म हो रहा है तो थोड़ा ठंडा करते हैं। क्या क्या रूल है, सबसे पहले रूल लिखते हैं यहाँ, चलो क्या क्या करेंगे सर। सबसे पहले ऑल एसेट ट्रांसफर करो सर, ज्यादा बातें नहीं करना, सारे एसेट ट्रांसफर करो। चलो यही काम कर लेते हैं, पहले सारे एसेट ट्रांसफर करते हैं। तो आ जाइए, कहाँ लिखेंगे सारे एसेट? टू सन्ड्री एसेट्स, सारे एसेट्स यहां ट्रांसफर करें। चलिए सारे एसेट्स चुन लेते हैं, एसेट्स यहां से सर ऊपर देखने की जरूरत नहीं है आपको। सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, सर एक बात, यहां पे प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख का था और यहां कुछ और कह रहा था रिड्यूस बाय 290 स्टॉक, तो अब हम 7 लाख रुपए लेंगे या घटा के वैल्यू लेंगे? तो मैंने वहां लिखा था बुक वैल्यू लेना है, मतलब कि भैया जो नई वैल्यू है उससे कोई लेना देना आपको नहीं है, बुक वैल्यू। तो कितना लेंगे? 7 लाख प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, 2 लाख रुपए। चलिए आ जाइए, प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख और फर्नीचर 2 लाख। और सर एक चीज मैं बताना भूल गया, ये सारे के सारे एसेट्स ग्रॉस वैल्यू पे लिए जाते हैं। मान लो इन केस डेटर दे रखा है, डेटर के नीचे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके दे रखा है, तो आपको ग्रॉस वैल्यू लेना है और उसके होने वाले प्रोविजन को हम इधर उठा के रखते हैं, ठीक है? तो जब सवाल में आएगा तब देख लेंगे, वैसे अब तो नई बैलेंस शीट में ये देगा नहीं। इसके बाद हमने क्या ले लेना है सर? गुडविल लेना है, बिल्कुल लेना है, 4 लाख, 1.5 लाख पेटेंट, गुडविल 4 लाख और पेटेंट 1.5 लाख। सर और देखते हैं, सर करंट एसेट्स में क्या इन्वेंट्री लोगे आप? बिल्कुल लेंगे, सारे एसेट्स लेंगे भाई साहब। इन्वेंट्री कितने का है? 4.90 का, ट्रेड रिसीवेबल 2.55, इन्वेंट्री 4.90 और क्या था, ट्रेड रिसीवेबल 2,55,000। चलिए सर और कोई एसेट्स लेने लायक है? क्या कैश लोगे? कहीं सवाल में बोला है बायर कंपनी बोल रहा है ना हम तो कैश नहीं लेंगे, कुछ बोला नहीं तो मान लो लेगा वो, पर वैसे भी बहुत रेयर केस है कि बायर बोल दे मैं तेरा कैश नहीं लूंगा, कैश तो हर कोई लेने को तैयार रहता है। तो कैश बैंक हमारा 5,000 है, तो चलो जी बायर कंपनी ले रहा है तो हम यहां लिखेंगे कैश और बैंक। जो बच्चे सेल्फ पढ़ते हैं ना उनका दिमाग खराब हो जाता है, भैया अभी तक 12वीं में पढ़ा था बैंक और कैश को छोड़ दो, है रियलाइजेशन अकाउंट और यहां बैंक कैश क्यों लिया जा रहा है, यहां पे बैंक और कैश क्यों लिया जा रहा है? तो इसका पीछे लॉजिक है, रीजन है। AS 14 बोलता है कि इन केस बायर कंपनी टेक ओवर एनी एसेट शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इंक्लूडिंग कैश और बैंक, वहां पे कहा हुआ है क्लियर AS 14 में। तो इसलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना भ्रम होता है सर 12th के जैसा ही है, मेरे पास एक ऐसा भी केस आया कि सर 12th के जैसा हमारा ये है, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं, एग्जाम के टाइम पे खोला तो देखा कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर
फेल हो गए एक बार, तो फिर लगा चलो कोई बात नहीं, हमने ट्वेल्थ का रिवाइज नहीं किया होगा इसलिए शायद एग्जाम के टाइम पे खोलने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब दोबारा पेपर आ गया ईआर का बैग, अब दोबारा हमने खोल के देखा है, ट्वेल्थ का प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस करके अब मैंने जब ग्रेजुएशन को उठाया तब भी लग रहा है कुछ नहीं आ रहा है। तो अब बोल रहे हैं अब क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा, 10 दिन में कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे पास हो जाए। तो तरीका है मेहनत, अगर वो आपको आता है तो आप पास हो सकते हैं। चलिए सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद ये वाले एसेट्स ना नकली एसेट्स हैं, ये वाले एसेट्स वो एसेट्स हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे कहां ट्रांसफर करोगे, सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल में, ठीक है ना। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डिस्काउंट 8,000 और 12,000, चलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2 में और डिस्काउंट सर कितने का था, सर ये था हमारा 8 और 12, 8 और 12, समझे बात, कोई दिक्कत यहां तक। सारे एसेट्स हमने ले लिए, सारे एसेट्स ले लिए, पेटेंट तो मना किया उसने, पेटेंट लेने से मना किया, मैंने क्या समझाया सर, पेटेंट मना किया उसने, तो सारे एसेट्स लेंगे लेकिन बेचेंगे उसी एसेट्स को जिसने उसने टेकन ओवर करने से मना कर दिया, मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, ठीक है। अब सर सारी लाइबिलिटी भी ले लेते हैं, पहले लेंगे तो सारा हम लाइबिलिटी भी ले लेते हैं, भैया लाइबिलिटी में क्या है, इक्विटी शेयर तुझे नहीं लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस तुझे नहीं लेंगे, तो ये सारे जो एसेट्स दिख रहे हैं इन एसेट्स को हम नहीं लेंगे, हटाओ इसे। तो सर ये कहां जाएगा, ये इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को नहीं लेते वहां पे, मैं प्रेफरेंस शेयर पे स्टार लगा देता हूं। बाकी लाइबिलिटी ले ले, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर ले लेते हैं, ट्रेड पेबल ले लेते हैं। चलिए सर डिबेंचर और ट्रेड पेबल, तो डिबेंचर इधर आ जाएगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, क्या लेंगे हम, डिबेंचर और ट्रेड पेबल। डिबेंचर कितना है, 3,00,000 और 2,00,000, अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है। कोई बच्चा बोलता है मुश्किल है तो उसका पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है ना, अभी तक कुछ मुश्किल था, सारे हमने एसेट्स क्या करा भाई साहब, ट्रांसफर ट्रांसफर करा है हमने। तो चलिए अब हमें क्या करना था, इसके बाद फॉर्मेट भी देख लू, मैं भी याद कर लू थोड़ा सा फॉर्मेट, आप भी याद करिए क्या था कि फॉर्मेट में बोला था सारे एसेट्स रख दीजिए, सारे लाइबिलिटी लिख दीजिए, इसके बाद यहां क्या लिख दीजिए, पीसी, उसके बाद जो कंपनी पेमेंट करेगा या फिर जो एसेट टेकन ओवर नहीं उसकी पेमेंट की बात करी गई है, ठीक है सर। यानी अब सर हम यहाँ पर बाय साइड में रख सकते हैं परचेज कंसिडरेशन, जो कि कितना निकला है सर हमारा परचेज कंसिडरेशन 12,50,000 रुपए, तो बाय साइड में आ जाएगा बाय। अब बायर का आएगा कौन सा था, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने खरीदा है ना, कितने का, 12,50,000। सवाल में कहता है भैया हमने पेटेंट तो नहीं लिया लेकिन हम पेटेंट को मार्केट में बेच के आएंगे 10,000, मैंने कोई बात नहीं बेच दो मार्केट में, 10,000 नहीं लिया था तो इसलिए मार्केट में बेच देंगे, तो बाय साइड में लिख देंगे सर बाय बैंक, बाय बैंक और पेटेंट को सेल कर दिया 10,000। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, देखो पेटेंट हमारा कितने का था, 15,000, 1,50,000 का था, 10 में ही बिका बस है, वही देख रहे हैं, देख रहे हैं 10,000 का बिका, तभी तो नहीं ले रहा था वो, क्योंकि 1,50,000 का एसेट 10 में जा रहा है इसलिए बोल दिया इसका हम वैल्यूएशन नहीं करेंगे, बेकार है भाई तेरा ये। तो 1,50,000 का था, कई एग्जामिनर का बोलना है कि भाई एक बार ध्यान से देखो यहाँ पेटेंट 1,50,000 है, यहाँ एक तरीके से आपको इस एसेट्स पे नुकसान हो रहा है, और एक कितने का नुकसान हो रहा है, 1,40,000 का, तो 1,40,000 का नुकसान सीधा इधर दिखा सकते हो आप, मतलब दूसरा तरीका कई बार बुक में करते हैं कि आप यहाँ पेटेंट मत दिखाइए क्योंकि बायर लेके नहीं गया, मैं दूसरा अल्टरनेट बता रहा हूं, पहले जो बताया बिल्कुल ठीक है, चल रहा है बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, दूसरा अल्टरनेटिव सर जो एसेट्स नहीं लेके जाता हम यहां भी नहीं दिखाएंगे और पेमेंट भी नहीं करेंगे, उसको बाहर से बाहर भेज देंगे, लेकिन उस एसेट्स पे होने वाला नुकसान और फायदा यहां बुक करेंगे। तो अगर मैं यहां पे पेटेंट ना दिखाऊं और यहां पे ये ना दिखाऊं तो सिर्फ यहां पे कितना दिखा दूंगा मैं, 1,40,000। एक ये तरीका होता जो कि मुझे सही नहीं लग रहा क्योंकि थोड़ा सा इसमें रिदम बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं सर और कुछ भी लेना है क्या एसेट्स में लायबिलिटी में से, देखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, मैंने बोला था कि हम मान लेंगे कि पेमेंट करेंगे, सर आप मान रहे हो सेलर कंपनी पेमेंट करेगा तो बैंक में लिखिए, टू बैंक और ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितने रुपए का सर,
10,000 रुपये का रियलाइजेशन एक्सपेंस, अब तो कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा, अब यहां से या तो निकलेगा प्रॉफिट या तो निकलेगा लॉस, और कुछ लाइबिलिटी ट्रांसफर करना है जो कि ये वाले हैं। इक्विटी शेयर चला जाएगा हमारा बाय में कितना, 15 लाख रुपए। इक्विटी शेयर चला जाएगा बाय में, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, 15 लाख। प्रेफरेंस इसमें नहीं डालना भाई साहब, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है हमारा, एक प्रॉफिट एंड लॉस था साहब, कितने का, 2,80,000 का नुकसान, 2,80 का नुकसान। तो नुकसान भाई साहब किधर आएगा, प्रॉफिट था तो इधर आ रहा था, नुकसान दे रखा है तो इधर लिखेंगे, टू रिजर्व एंड सरप्लस लॉस अब इधर आ जाएगा, ठीक है, कितने, 2,80 का, समझे बात। यानी जो लाइबिलिटी का पॉजिटिव बैलेंस है वो तो इधर लिख रहे थे, लेकिन अगर कोई नेगेटिव लॉस आ गया तो वो किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। चलो सर यहां तक किसी को दिक्कत बताओ, यहां से हटा दे रिजर्व एंड सरप्लस, पहले ये वाला देख लो, ये पॉइंट थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा सा हटके नया आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। सर स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 12,50,000 कैसे आया, ये परचेज कंसिडरेशन है, ये परचेज कंसिडरेशन है जो पीछे निकाला, जो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड देने वाला है हमें, जो कि स्ट्रॉन्ग लिमिटेड हमें देगा, परचेज कंसिडरेशन है। बताइए यहां तक कोई डाउट, चले आगे। चलिए सर अब यहां से जो भी निकलेगा बैलेंस, लॉस निकले चाहे प्रॉफिट निकले, इसका हकदार कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, इसका हकदार सर इक्विटी शेयर होल्डर ही है। तो सर ये सर पहले इसको टोटल करते हैं, 7 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, 90,000, 2,55,000 और 5,000, 22 लाख। इधर भी देख लेते हैं, तो सर इधर का टोटल ज्यादा कहाँ का लग रहा है, मेरे को यही ज्यादा लग रहा है, तो 22,10,000। और बाय साइड में जो भी आएगा वो आएगा लॉस, और लॉस की जगह पे हम कहां लेके जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, ठीक है। आपको पूरे पूरे शब्द इस्तेमाल करने एग्जाम के अंदर, -5 लाख, -12,50,000, -10,000, साहब 4,50,000 का नुकसान हो गया। ये किसको नुकसान हुआ, सर सेलर कंपनी को नुकसान हुआ, ये हमें क्या लेने देना, उसको क्या नुकसान हो रहा है, बायर कंपनी को कोई मतलब नहीं है, सेलर कंपनी का नुकसान हो गया कंपनी बेचने में। और ये फायदा किसको मिल जाएगा, सर इक्विटी शेयर होल्डर वाले को ही भुगतना पड़ेगा, फायदा नहीं नुकसान है तो इसी को भुगतना पड़ेगा। तो लॉस एट टू आ जाएगा हमारा रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में क्या आएगा लॉस, कितने का, 4 लाख। जब हम ये लिख देंगे तो दोनों साइड अपने आप मिल जाएगा, ये अगर दोनों साइड मैच हो रहा है तो समझ लीजिए आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, अगर मैच नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दिया आपने। तो देखिए पीसी लिखा मैंने, अब एक चीज रह गया, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया था ना इसको, सर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया था ना, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर कैपिटल दिया था, नहीं दिया था सर, दिया था, देखो ये रह गया था, उसको इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिला, उसके हक में सिर्फ 7,50,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल मिल गया, कितने का, 7,50,000। यानी पीसी के दो टुकड़े हो गए, प्रेफरेंस वाले के मैंने इसमें नहीं लिखा, तो प्रेफरेंस वाले को हम अलग लेके चलेंगे, सिर्फ इक्विटी वाले का यहां डिस्चार्ज की बात करेंगे। तो सर 15 लाख इसका टोटल तो आसान है, फटाफट हो गया, ये भी 15 लाख आएगा, चेक कर लो, 8,000, 12,000, 280, 750 और 450, है ना, 450। तो सर 12 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 8,000, 12,000, 280 और 450 और 750, ये तो 15 आ रहा है शायद, 15 तो आ रहा है, 12 थोड़ी आएगा, 15 आएगा ना, 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, मैंने मेरे मुंह से निकल गया 12, ये 15 टोटल था, 15 आ गया। बुक्स ऑफ बायर सेलर का खत्म, इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स और करने हैं जो कि हम देखेंगे, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला देखना है हमें कि क्या करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर का समझिएगा, कहानी समझिएगा, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा इधर आ जाएगा,
बाय साइड में लिखोगे बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर कितना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये रहा 5 लाख, तो लिखिए 5 लाख। अब इसको मिला क्या, प्रेफरेंस शेयर ही मिला, तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आपको अजीब लगेगा, सर इधर भी प्रेफरेंस, भाई इधर भी देखो ना, इधर भी इक्विटी और इधर भी इक्विटी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इक्विटी के आगे मैं लिख देता हूं, ये बायर के अंदर है और ये सेलर में है, और ये कौन सा है, सेलर में मिलेगा, और ये बायर, यहां पे डिफरेंस निकल सकता है आपका। तो सर प्रेफरेंस शेयर कितना मिला, 5 ही मिला, लो जी लो, 5 का 5 मिल गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जो भी अगर डिफरेंस होता तो रियलाइजेशन में जाता, ध्यान रखना। अभी मैंने वो क्वेश्चन नहीं कराया, अभी तो मैं बेसिक, पहले आपका कॉन्सेप्ट तो डेवलप हो जाए, आपको पहले बेसिक तो पता चल जाए, ऐसे ऐसे कहानी घूमने वाली है, फिर मैं इसके अंदर कुछ एक एंट्री डालूंगा, क्लियर है। एक और एंट्री, एक और बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, वो देख लेंगे, उसको छोड़ दो पहले, यहां तक देख लो, सबको समझ में आ गया। सर क्लास ओवर कर दो प्लीज। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, इसका मतलब आपको एमलगमेशन आ रहा है। जिस बच्चों को यहां तक समझ में आ रहा है, तो अपने आप को समझाएं कि ये चैप्टर हमें समझ में आ रहा है। अपने आप को अगर बोलोगे सर ये चैप्टर मुश्किल है, नहीं आ रहा, तो नहीं होगा। अगर ये सारी चीजें कर पा रहे हो, यही तो एमलगमेशन है, क्लियर सर। चलिए क्लियर हो गया, अब जनरल एंट्री भी देख ले, वो बहुत आसान, लेजर से जनरल एंट्री करना बहुत आसान होता है। देखो कैसे करेंगे, ये सारी एंट्री रियलाइजेशन टू सारी एंट्री, इसके बाद रियलाइजेशन से ये एंट्री, यानी जो इस अकाउंट के अंदर है सबको रियलाइजेशन से एंट्री कर दूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं रियलाइजेशन से एंट्री करूं, मैं सारी जनरल एंट्री तो नहीं, छोटे छोटे एंट्री सिखाता हूं अभी। फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री है ऑल एसेट्स, जब ट्रांसफर होगा क्या करेंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारे एसेट्स। सारे एसेट्स में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो यहां से सारे एसेट्स ले लो, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, पेटेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल टू बैंक, ये सारी एंट्री कर दिया। बैंक का अमाउंट मुझे याद है, बस लिख देता हूं मैं, बाकी बताते जाओ। इसका क्या था, प्लांट मशीनरी का 7, 2, 4 डेढ़, 7 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1.5 लाख, 280, 280 था नहीं, 490 और 255, 455 और 490, इन सभी को जोड़ के रियलाइजेशन में लिख दो, इन सभी को जोड़ के रियलाइजेशन में लिख दो। तो इन सभी को जोड़ आ रहा था, मैंने यहां लिखा था। अब देखो इसका फायदा क्या मिलेगा, जनरल एंट्री में आपने टोटल किया, टोटल लिख देंगे 22 लाख, समझे। बींग ये दो पे, अच्छा 455 हो गया, 255 बींग ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसका मतलब है भाई साहब एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। और देखिए सर कुछ टू में बनता है, सर ये बैंक से पेमेंट किया है, बैंक, तो रियलाइजेशन टू बैंक एक्सपेंस पेमेंट। एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट
नहीं, पहले फिर ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। पहले ऐसे ट्रांसफर किया, आप लाइबिलिटी किया था ना, तो लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं तो कैसे होगा हमारा डिबेंचर? दो ही लाइबिलिटी था, एक क्रेडिटर और टू रियलाइजेशन। आप ऐसे भी समझ लो, एसेट्स को जब बैलेंस शीट से निकालोगे तो क्रेडिट करना होगा, लाइबिलिटी को बैलेंस शीट से निकालोगे तो डेबिट करना होगा। साहब ये कितने कितने का था? 3-2, 3-2। ट्रेड पेबल है, परसेंटेज वर्सेंटेज लगा लेना भाई आप। बींग ऑल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बताओ इसमें कोई मुश्किल? अब हम क्या करेंगे, पीसी जो है इधर इस साइड में जो पीसी आया है इसकी एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन। इसको अब इधर वाले को डेबिट करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड टू रियलाइजेशन। क्या करेंगे सर? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर ये जो पीसी होगा ना, ये 1250, 1250 पीसी ट्रांसफर। चलिए सर इसके बाद क्या करें, पीसीबी ट्रांसफर। अब बैंक से पेमेंट करा, पेटेंट को बेचा है तो बैंक में पैसा आएगा टू रियलाइजेशन। पेटेंट बेचा है लेकिन रियलाइजेशन आएगा यहां पे, बींग में लिखेंगे रियलाइजेशन सोल्ड, और सॉरी सोल्ड 10,000। ठीक है, और क्या हो गया, बच गया इसमें सर? ये लॉस बच गया। लॉस कहां ले गए हम? इक्विटी शेयर होल्डर में ले गए। तो क्या होगा हमारा, यहां से एंट्री होगा रियलाइजेशन, या सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल टू रियलाइजेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल टू रियलाइजेशन 4,50 का, 4,50,000। समझे यहां तक? अब इसके बाद हम इक्विटी शेयर की भी कर देते हैं एंट्री। यहां से एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर बाय में होगा डेबिट, इक्विटी शेयर डेबिट हो जाएगा टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू डिस्काउंट, टू मतलब ये वाला डेबिट कर देंगे और इक्विटी। चलो मैं एक एक करके देखो, इक्विटी शेयर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर 15,00,000 रुपए। बींग इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है, या बोल सकते हो अमाउंट इसका ड्यू करने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, इक्विटी शेयर होल्डर और टू किस किस को देंगे? हम लेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सर, हम लेंगे डिस्काउंट सर, हम लेंगे लॉस जो था रियलाइजेशन वाला भी था लॉस, दो दो लॉस थे। एक था लॉस हमारा कौन सा, बैलेंस शीट वाला। टू लेंगे रियलाइजेशन वाला लॉस, और टू लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल कौन से बायर में। ये 15,00,000 था, ये 8,000 था, ये 12,000 था, ये 4,50,000 कितना, नहीं 2,80,000 था, ये 2,80,000 था, ये 4,50,000 था, और ये 7,00,000। लो जी जहां तक हमने सीखा है उतनी जर्नल एंट्री करा, मैंने कुछ एडवांस ज्यादा कराया नहीं अभी। कल भी क्लास रहेगी 7 बजे, लेकिन कल 7 से 9 नहीं, 7 से 8, ताकि मैं इससे आगे धीरे धीरे रेगुलर क्लास रहेगी शाम की। एनईपी वालों का सुबह कोई काम नहीं,
यहां तक एकदम साफ साफ क्लियर है आपको?